हेलो सलाम अलैकुम। आपको कौन? हाँ भाई कौन जी? मेरा नाम मोहम्मद इकबाल रजा मंजूरी हुआ। इकबाल रजा मंजूरी भाई, हाँ बताइए। ये एक मसला था, क्या बता सकते हैं? क्यों भाई, आपके आलिम दीन कहाँ गए? अरे यार आप ही का मसला है, हो सकता है आप ही से हल हो जाए आपका मसला। अच्छा मेरा मसला है? अपना मसला हम अपने क्या पूछते हैं, आपका मसला आपके यहाँ पूछना पड़ेगा ना। अच्छा अच्छा बताइए भाई जी। हाँ पूछिए। आप लोग जो आखिरी का जो तराबी पढ़ते हैं इसका सही मसाइल क्या है, थोड़ा बता सकते हैं आप? ठीक है, और कुछ थोड़ा बताइए, बस यही मालूम करना। ठीक है, रख दीजिए भाई फोन। क्यों? अभी आपने पूछा ना आपका मसला है, तो मेरा मसला है, मेरे को मालूम है। बात खत्म। सही मसला क्या है भाई आपका, क्या आप लोग? अरे तो हमारा मसला है, हमें मालूम है ना, आपको उससे लेना देना क्या है? आपका जो मसला हो आप अपना मसला बताइए। अरे यार तो अपना मसला तो बताएंगे ही, समझे कि नहीं? तो आपका अपना मसला मालूम है, हमें अपना मसला मालूम है, बात खत्म। आप अपने मसले पे अमल कीजिए और हम अपने मसले पे अमल कर रहे हैं। आपको मालूम है कि नहीं कि हदीस में जो आप लोग अमल कर रहे हैं, क्या ये हदीस सही है या गलत है, ये आप बता सकते हैं? अरे अहले हदीस है तो सही हदीस पे अमल करेगा ना कोई भाई, वो मुकल्लिद थोड़ी ना है कि ज़ईफ और मौज़ू हदीस का मतलब साबित करके बता दीजिए आप। तो आपको क्यों साबित करें मेरे भाई, अमल हमारा है तो हमें मालूम है, तो आपको साबित करके क्या मतलब? हम लोग पूरे सही हदीसों पे अमल करते हैं, वही तो बता दीजिए। अरे ये रमजान जैसे आने वाला होता है तो शैतान कैद हो जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे मतलब जो चेले आप लोग की तरह छोड़ दिए जाते हैं, मतलब रमजान के 5 महीने में भी मतलब भाई कितना फसाद है, 8 रकात 20 रकात 8 रकात 20 रकात, मतलब इसके अलावा रमजान में कोई काम नहीं बचा आपके पास? अरे वही पूछ रहा हूँ यार, अगर सही अभी सब साबित करके बता दीजिए ना, हो सकता है सही हो गया तो हम भी कोशिश। भाई तरावी हम नहीं पढ़ते, ठीक है? हम तरावी हम नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं कयामुल लैल, कयामुल भाई वो रमजान। अच्छा कयामुल लैल पढ़ते हैं, कयामुल लैल के थोड़ा बता देना। कयामुल लैल अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ठीक है? कयामुल लैल अल्लाह के नबी के ताल्लुक से आता है कि अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी रमजान हो चाहे भाई वो गैर रमजान हो, 11 रकातों से ज्यादा नहीं पढ़ते थे, 8 रकात कयामुल लैल और 3 रकात वित्र। सही बुखारी हदीस नंबर 2013। माना क्या होता है, क्या वजाहत कर दीजिए इसका? कयामुल लैल बोलते किसे हैं भाई? रातों का कयाम करना, रातों को खड़े होकर नमाज पढ़ना। तो हम लोग क्या करते हैं, तो तरावी किसको बोलते हैं? हाँ तो तरावी का हुक्म अल्लाह सुबहानहु ताला ने आसमान से भाई वो कब नाजिल किया? मैं भी तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम बताओ तुम्हारे पास जो हमने अपना बता दिया, हमारे अल्लाह के नबी कयामुल लैल चाहे रमजान होता गैर रमजान होता 11 रकात पढ़ते थे, तो हम भी 11 रकात पढ़ते हैं, 8 रकात कयामुल लैल 3 रकात वित्र। अरे यार तो वही तो मैं तुझे पूछ रहा हूँ, छोड़ो तुम पहले कयामुल लैल के बारे में बताओ, क्या हदीस जो तू है क्या हदीस ज़ईफ हदीस है या सही हदीस है, तुम बता सकते हो? सही बुखारी की तो मेरे भाई ज़ईफ हदीस, इसको साबित करके बताओ। हदीस नंबर 2013 भाई, अभी तो हमने हदीस पढ़ी इसकी आप सनद में एक भी ज़ईफ रावी हमको आप बता दीजिए। अब अगर मैं बुखारी से अगर 20 रिकॉर्ड दिखा दिया तो अगर मैं बुखारी से 20 रिकॉर्ड दिखा दीजिए भाई, क्या मान जाओगे? नहीं हम मान नहीं जाएंगे, हम हंसी बन जाएंगे। हम हंसी बन जाएंगे, बताइए हंसी बन जाओगे? अगर मैं दिखा दे आपको, अगर बिल्कुल आते रहना अपनी बातों पर, बिल्कुल मैं कसम अल्लाह की खा के कहता हूँ, अगर आपने सही अल बुखारी से 20 रकात भाई तरावी साबित कर दी तो मैं हंसी बनने के लिए तैयार। हंसी बनने तैयार हो? हाँ जल्दी बताइए। आपको बता कि तिर्मिज़ी के हदीस में ज़ईफ है या सही हदीस है, तुम बता सकते हो? भाई बुखारी से मैं आपको भाग में दूंगा नहीं, बुखारी क्या दलील है? बुखारी से दलील दूंगा तुझे, तो क्यों घबरा रहे? नहीं नहीं जल्दी दीजिए मेरे भाई, मुझे हंसी बनने का बहुत शौक है इस समय, जल्दी बताइए। अरे क्योंकि मैं जल्दी ही दूंगा, पहले तुम जल्दी दूंगा नहीं, अभी देना है क्या मैं फोन काटूँ? हजरत उमर से रवायत है कि हजरत उमर 20 रिकात तरावी पढ़ा करते थे बुखारी की। अच्छा बुखारी में हदीस नंबर बताइए।
कहाँ हदीस नंबर बताइए कहाँ है? यहाँ रूम क्या मैं बुखारी का नाम भी बताऊंगा, समझे कि नहीं? क्या घोड़ा थोड़ा 10 मिनट तो रुक जा। अच्छा 10 मिनट आपको लगेगा? अरे यार तो क्या किताब देख के बताऊंगा ना कि तुझे मैं ऐसी बता दूं भाई अंदाजे गोली मार के। चलिए मैं आपको बता देता हूँ भाई, आप पूरी की पूरी मुकम्मल आप भाई वो बुखारी उसके जितने जिल्द आपके पास हो सारी की सारी आप खोल के देख लीजिए, आपको 20 रकात तरावी का अल्फाज अगर कहीं पे मिल जाए तो आपका जूता मेरा सर। नहीं भाई बुखारी में 20 रकात तरावी का आपको अल्फाज ही नहीं मिलेगा मेरे भाई, आप कहाँ पढ़ लो मेरे भाई? तुम तो मुझे बोल दिया किसी ने सही कहा भाई, अगर कोई मुकल्लिद अगर बुखारी पड़ेगा तो उसको बुखार आ जाएगा। अरे तुम बता रहे अभी तुम बुखारी दिखा सकते हो? हाँ मेरे भाई सही बुखारी और इसके बाप का नाम है ये, अगर आप तरावी के बाप में जाएंगे तो भी आपको ये भाई यही हदीस आपको मिलेगी, और अगर आप तहज्जुद के बाप में जाएंगे तो भी आपको यही वाली हदीस मिलेगी। रावी पूछ रहा हूँ कौन सी बाब है, 70 नंबर क्या है, समझे कि नहीं? वो तुम बताओ। 70 नंबर कौन सा सफर हदीस का रावी? और हदीस नंबर 2013। हाँ 2013 दोस्तों। अरे 2013 इतने जूते तुम लोगों के लगेगा ना कि पूरे समझे कि नहीं? भाई भाई थोड़ा तमीज सीख जाइए बात करने की। अरे यार तो अभी तुम गलत गलत बताओगे। अच्छा चलिए गलत है कोई बात नहीं। हदीस है मगर वो हदीस जो है मैं मान रहा हूँ, मगर तुम जो हदीस बता रहे हो कि बुखारी की हदीस है वो बुखारी में जो तुम बता रहे हो वो सफा में नहीं है। अच्छा ठीक है। अफो अब भी वक्त है सुधर जा, समझे कि नहीं? सही दिन करा जा। क्या बोल रहे हो बता रहे हो? हेलो 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 पकड़ो गाड़ी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हां सलाम कौन? इकबाल भाई बोल रहे हैं, इकबाल आजाद साहब। हाँ बताइए भाई, 10 मिनट आपके हो गए, बुखारी की हदीस आपको मिली 20 रकात वाली? ये दिखाऊंगा मगरिब के बाद। अच्छा जब होगी भाई, जब होगी उसके बाद दिखाएंगे ना, जब है नहीं तो कहाँ से दिखाएंगे? दिखाता हूँ। क्या अपने हाथ से लिखेंगे सही बुखारी फिर से? बात फोन करता हूँ। अच्छा आप ये बताइए, आप लोग जो हेलो हेलो हाँ जी कौन? हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इकबाल भाई बोल रहे हैं? अरे हाँ बोलो अफसल खान भाई। हाँ बताइए भाई, सही बुखारी में 20 रकात तरावी कहाँ से लिखा हुआ है? अरे पहले तुम वो हदीस बताने यार जो गई भाई, पहले बात में नहीं, आपने दावा किया था कि मैं आपको बताऊंगा, और मैंने वादा किया था कि अगर आपने बुखारी शरीफ में 20 रकात तरावी दिखा दी सुन्नत है तो मैं फौरन ही हनफी बन जाऊंगा तुरंत बिना टाइम वेस्ट किए। पहले बात सब छोड़ो मेरे भाई, टॉपिक पे बात करनी हो तो करो, वरना फोन काट के बात जाओ मेरे भाई। मैंने सवाल किया था वो कि हदीस तुम बताओ कि वो सब बातें हो चुकी है, उसका जवाब दे दिया है, वो ऑडियो मेरे पास रिकॉर्ड है। आप पहले आगे का बताइए, मैं क्या बोला था सही बुखारी की हदीस बताइए 20 रकात तरावी वाली। जो मैं हदीस बताऊंगा पहले तुम ही बता कि जो तुमने ये कहे हो कि मैंने ये हदीस जो है वो सही हदीस है, तुम ये बताओ। अरे बुखारी की हदीस है तो सही हदीस होगी ना जाहिल आदमी?
अबे तो जाहिले तो तुम हदीस से साबित करो ना बुखारी की हदीस से। अबे तो मैं क्यों साबित करूँ, दावा तुम्हारा है कि 20 रकात तरावी सुन्नत है सही बुखारी में आया है, तो तुम साबित करोगे ना। अजीब आदमी मन चला दावा खुद करोगे दलील सामने वाले से मांगोगे। अबे अप्पू जो तुम्हारे यहाँ अप्पू नाम लेने से तुम मेरे भाई मैंने मतलब अप्पू के मतलब वो ना बन जाओ मुरीद ना बन जाओ। ठीक है तुम फटाफट जवाब दो। तुम पहले भाई पहले बात अब देखो भागना शुरू भागम भाग का खेल स्टार्ट हो गया। भागम भाग मैं नहीं कर रहा हूँ, अब खुद तुम पहले ये बता दे। अब देखो इकबाल रजा टीपीएस भाई वो मर जाएगा, इसकी मैयत निकल जाएगी, लेकिन ये कभी एक दलील नहीं देगा कि सही बुखारी को जिस सरकार के राजी सुन्नत साबित है। अब खुद तुम्हारी मैयत नहीं देगा दलील क्योंकि है ही नहीं। क्या कयामत तक तुम नहीं दिखा सकते सही बुखारी में 20 रकात तरावी सुन्नत है लिखा है। उमर से रवायत है कहते उमर 20 रकात बुखारी में कहाँ रवायत है, जब दिखा ना जल्दी। ये मैं दिखाऊंगा पहले जब मैं दिखाऊंगा नहीं अभी दिखाते मैं सारी बातें छोड़ के अपने बाकी लकीदों से तौबा करके मैं हंसी बन जाऊंगा। चल जल्दी बता पहले तुम क्या हंसी बन। अरे मेरे भाई मैं भाई मैं हार मानने के तैयार हूँ, मैं अपनी शिकस्त उतार दूंगा, मैं हंसी बन जाऊंगा, मैं बरेली बन जाऊंगा, आला हजरत का गुलाम बन जाऊंगा, पीर बाबाओं का मैं मुरीद बन जाऊंगा। आप खाली सही बुखारी से 20 रकात तरावी सुन्नत है ये आप हमें दिखा दीजिए। खाली बुखारी के अलावा कोई और हदीस नहीं मानते तो आपका दावा सही बुखारी पे था ना। मैं भी क्या बोल रहा तुम खाली इमाम बुखारी ही। चलो ठीक है अलग तो आपने मान लिया कि सही बुखारी में 20 रकात तरावी सुन्नत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। फिर से एक बार हक की जीत हुई और बातिल का मुंह काला हो गया। चलिए अब आगे बोलिए। बुखारी की हदीस दिखाऊंगा, बुखारी में दिखाऊंगा तो दिखाइए ना, सब दिखाएंगे मरने के बाद दिखाएंगे। बुखारी के अलावा कोई हदीस है मेरे प्यारे भाई का बताएंगे, मरने के बाद बताएंगे। जल्दी बताइए बुखारी की हदीस। तुम सही हदीस जो है तुम वो 8 रिकात हम कुछ नहीं दिखाएंगे। अब आपको 20 रकात साबित करना है, हम 20 रकात पढ़ने लगेंगे। जल्दी बताइए तुमको मैं बोल रहा हूँ कि तुम 8 रिकात वाला इकबाल रजा टीपीएस जनाटन किया भाई आप फटाफट 20 रकात शराबी सुन्नत है ये सही बुखारी में कौन से हदीस में लिखा हुआ है बड़ा मेहरबानी करम एक बार मेरे भाई दिखा दीजिए उसका हवाला दे दीजिए ताकि हम भी हंसी मजहब में अपना नाम शामिल कर ले और हम भी हंसू बरेलवी बन जाए और हम भी जलनंद के मेरे भाई दावेदार बन जाए। जल्दी बताइए फटाफट। तुझे मैं हदीस दिखाऊंगा मगर तुम कब दिखाओगे मेरे भाई, बड़ी दिक्कत का सामना पड़ेगा। अभी ऑडियो जब आवाम में जाएगी तो बरेलवी लोग फूकेंगे आपके ऊपर की बताइए कैसा बरेलवी है, सारी बरेलवियत किसने नाक कटवा के रख दी, इतना बड़ा बोतार पा दिया कि सही बुखारी में 20 रकात तरावी है। इतना बड़ा झूठ तो तुम्हारा कोई झूठा लामा भी नहीं बोल पाया, इतना बड़ा झूठ तुमने बोल दिया है। बोल रहा हूँ अप्पू, मैं अप्पू तुझे बोल सही बुखारी में 20 रकात तरावी सुन्नत है। भाई कॉमेडी नाइट का सबसे बड़ा जोक है ये। यार हंसने से पेट दर्द होने लगेगा यार मेरा। जल्दी बता मेरे भाई 20 रकात तरावी सुन्नत है सही बुखारी में कहाँ लिखा हुआ है भाई, कौन सी जिल्द में, कौन से सफा पे, कौन सा हदीस नंबर है, जल्दी बता मेरे भाई। तुम्हारा बेटा वीडियो जाएगा, तूने अब तक मेरी सारे मेरे भाई ऑडियो वीडियो देता, लेकिन तुम्हारी ऑडियो तुम्हारी काम की है कि हंसी मुकल्लिस एक बरेलवी जाहिल कह रहा है कि सही बुखारी से 20 रकात तरावी साबित है। भाई कयामत की सुबह तक का टाइम दे रहे हैं, अगर तुम्हें हदीस मिल जाए तो मेरे को फोन कर लेना। ठीक है पहले तुम पहले हदीस मेरा पेश करो। भाई आपने 10 मिनट का टाइम मांगा था, आपने कहा था 10 मिनट रुको, मैं भी तुम्हें सही बुखारी से 20 रकात तरावी की दलील दे रहा हूँ। 10 मिनट की जगह 2 घंटे हो गए, अभी तक आपने दलील नहीं दी। हदीस से तुम बयान करते हो, आपने जो दावा किया है दावे से ना भागिए, इधर उधर की बात ना कीजिए। जब तक आप तौबा नहीं करेंगे कि हाँ अप्पू भाई मैंने झूठ बोला था सही बुखारी में 20 रकात तरावी नहीं है, तब तक आगे कोई बात नहीं होगी। तो तुम साबित कर दो, मैं साबित कर दूंगा। हम क्यों साबित करें, दावा किसने किया, दावा आपने किया ना कि सही बुखारी में 20 रकात तरावी आई है। हमने कहा बोल रहा हूँ, आपने कहा कि नहीं, इतना बताइए। तुम पहले साबित तो कर, मैं क्या पहले बोला भाई, दावा किसका था, आपका था या मेरा था। हाँ
हाँ दावा तुम्हारा पहले था, दावे तुमने पहले किया बुखार। मैंने कोई दावा ही नहीं किया था, सफा बताओ। ऑडियो मौजूद है मेरे भाई, आवाम सुनेगी तो जान जाएगी कि बरेली मसाली पे भी उतर आया, धोखेबाजी पे भी उतर आया। तुम्हारा जो है पहले वाला से पता चलेगा तुम्हारा ने क्या है। मेरे भाई इकबाल भाई, आपको एक मेरे भाई नसीहत दे रहे हैं, एक छोटा भाई होने के नाते आप पहले इल्म हासिल कीजिए, ठीक है? और आपको बहुत ही प्यार से समझा रहे हैं कि रमजान के 5 महीने में भाई ये 8 रकात 20 रकात और इसका झगड़ा छोड़ दीजिए। 1 महीना आता है इबादत के लिए मेरे भाई कायदे से, तो कायदे से इबादत कीजिए, कुरान को पढ़िए, सूरह फातिहा से लेकर सूरह नाज तक उसको समझ के पढ़िए, और कितने फसाद न मचाइए रोजे रमजान में, ठीक है? आपको 20 रकात पढ़ना है, आप 20 पढ़ो। अरे मैं तो कहता हूँ 200 रकात पढ़ो, रात भर पढ़ो, लेकिन जो सुन्नत तादाद है जो अल्लाह के नबी और सहाबा से साबित है वो 8 रकात है। 8 रकात सुन्नत है, आप चाहे तो 12 पढ़ लो, 16 पढ़ लो, 18 पढ़ लो, 20 पढ़ लो, 22 पढ़ लो, 24 पढ़ लो, 100 पढ़ लो, 200 पढ़ लो, रात भर पढ़ते रहो, कोई मुश्किल नहीं है। ये तो नफिल नमाज है, लेकिन सुन्नत तादाद 8 रकात है। सही बुखारी की हदीस से अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी रमजान हो या गैर रमजान हो, अल्लाह के नबी रात की नमाज 11 रकातों से ज्यादा नहीं पढ़ते थे, 8 रकात कयामुल लैल, 3 रकात वित्र। सही बुखारी हदीस नंबर 1147 और हदीस नंबर 2013। मैं आयशा फरमा रही है नबी की बीवी से ज्यादा आप जानते हैं क्या? नबी की बीवी कह रही है जो रातों को अल्लाह के नबी के साथ रहती थी वो उनका अमल बयान कर रही है, और आप पागल आदमी जाहिली मुतलक आदमी कह रहे हो कि अल्लाह के नबी से 20 रकात आदमी थे। तो 20 रकात कब पढ़ी अल्लाह के नबी ने? उमर रजी अल्लाह ताला अनु ने 20 रकात तरावी का हुक्म कब दिया? एक सही हदीस पेश कर दीजिए दुनिया में आप। भाई 20 रकात तरावी की तमाम की तमाम हदीसें ज़ईफ है, ये आपकी हिदायत उतरा हुआ है और आपकी मेरे दुर्गे मुख्तार में उतरा हुआ है कि तरावी सही हदीस से मैं वितर के 11 रकात साबित है। तो आप अपने भाई शिका की बात नहीं मानते हो, आप अपने घर के मसलक की बात नहीं मानते हो, आप कुरान हदीस की बात नहीं मानते हो, आप अल्लाह के नबी की बात नहीं मानते हो, आप सहाबा की बात नहीं मानते हो, आप माँ आयशा की बात नहीं मानते हो, तो किसकी बात मानते हो जाहिल आदमी? चलिए ठीक है, मैं आपको अगले साल के रमजान तक का टाइम देता हूँ। अगले साल रमजान तक के आप सारी की सारी बुखारी आप पढ़ लीजिएगा और मुझे एक ऐसी हदीस दे दीजिएगा सही बुखारी से कि अल्लाह के नबी ने या सहाबा ने 20 रकात तरावी पढ़ी या पढ़ने का हुक्म दिया या कभी पढ़ाई, ठीक है? अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।